भैया गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल गांव में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा का उद्घाटन संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने किया। जैसे ही संसदीय सचिव कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जनपद अध्यक्ष गौरी देवी अपने समर्थकों को साथ धरने पर बैठ गयी और भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। जनपद अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी कार्यक्रम में जनपद सदस्यों की अनदेखी की गई और घोटाले में शामिल आरोपी को मुख्य अतिथि बनाया गया, लेकिन हंगामे के बीच संसदीय सचिव ने बैंक शाखा का उद्घाटन किया। इसमें कहीं कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है, ये तो हमारे क्षेत्र के उन्नति प्रगति और विकास है, यहाँ के लोगों में तो सुविधा है और हम सब लोग मिल के कार्यक्रम का आनंद के साथ आज का अच्छा स्वागत करी। पहली बार हम संसदीय सचिव बन के आए तो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि मैं निर्वाचित जनपद अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम जिस बैंक में ओपनिंग हो रहा है वहाँ से मेरा नाम तो हम लोगों को विपक्ष को इग्नोर किया गया है और जो प्रोटोकॉल में आता है उसको भी इग्नोर किए हैं और उसको छोड़कर कांग्रेस पार्टी का जिसका नाम नहीं होना किया गया है।